मई 2017 में जब अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज उठाई, तब मेरे मुंह से बात निकली थी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, इन तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के भीतर होगा। उनको ये तो समझ में आ गया था कि जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, और जब हाईकोर्ट में एविडेंस प्रेजेंट हुए तो जज के मुंह से निकल गया कि आपकी गिरफ्तारी पे तो रोक लगाना संभव ही नहीं। जब सत्येंद्र जैन को ईडी ने बुलाया तो केजरीवाल ने क्या कहा, तुम भगत सिंह हो, तुम जाओ माँ का आशीर्वाद और जेल जाओ, लेकिन अपना नंबर है, माननीय न्यायालय से अनुरोध है मुझे जेल ना भेजा जाए, अपने समय कोई माँ का आशीर्वाद नहीं लिया।